पिछले 24 घंटों में से चारों तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर क्या न्यूज आई है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नंबर वन पे है डेमियन प्रिस्ट का इंजरी अपडेट। इस बार कैसल ऑफ द क्लैश में डेमियन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच फाइट हुआ था, जहां पर ड्रू मैकइंटायर ने ब्रूटली अटैक कर दिया था डेमियन प्रिस्ट के पैर के ऊपर, जिसको साफ देखकर यही पता चल रहा होता है कि यहां पर इनके पैर को लेकर इंजरी हो चुका है। और इसी को लेकर डेमियन प्रिस्ट ने क्लैरिफाई करके कहा कि वो इस समय 100% ठीक है, वो आगे के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में पार्टिसिपेट और फाइट भी कर सकते हैं। ये 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया कि वो आउट ऑफ इंजरी है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर टू कैस्टल ऑफ द क्लैश के बाद यहाँ पर कोडी रोड का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। वेल ये तो साफ उसी दिन पता चल गया था कि आखिर कोडी रोड का कौन अगला अपोनेंट होने वाला है, जब कोडी रोड बैक स्टेज आ रहे होते हैं और तभी वही ब्लड लाइन की टीम आ जाती है। सोलो सिकोवा थोड़ा सा बात करते हैं कोडी रोड के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम आने के बाद कोडी रोड के ऊपर अटैक कर देती है। अब इसको देखकर साफ यही पता चलता है कि यहाँ पर राइवलरी चलने वाली है कोडी रोड और सोलो सिकोवा के बीच। हो सकता है कि यहाँ पर इनके बीच एक मैच भी हो जाए अंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। उसके बाद नेक्स्ट नंबर थर्ड को लेकर है सीएम पंक का आखिर रिटर्न कब होने वाला है। वैसे सीएम पंक जनवरी से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर है, क्योंकि उनको ट्राइसेप इंजरी हुआ था, वो अभी तक क्लियरिफाई नहीं कर चुके हैं, वो 100% ओके नहीं फाइट करने के लिए। और इनकी इंजरी को लेकर ही काफी बड़ा अपडेट आया कि जुलाई के लास्ट वीक में इनका रिटर्न होने वाला है, जहां वो आने के बाद इनका रायलवरी स्टार्ट हो जाएगी और यहां पर जाकर समरस्लैम में इनका मैच देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर फोर, इस बार कैस्टल ऑफ द क्लैश के बाद इस बार मर्चेंडाइज सेल ऑफ द ईयर कौन बना 2024 का। तो मर्चेंडाइज सेल को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कोडी रोड मर्चेंडाइज सेल ऑफ द ईयर इस बार कैस्टल ऑफ द क्लैश का बने हैं। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार वो मर्चेंडाइज सेल ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं और इन्होंने काफी सपोर्ट करते हैं अपना एफ मर्चेंडाइज सेल करने में डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइव, अंडरटेकर ने कमेंट करते हुए कहा गुंथर के ऊपर की गुंथर अंडरटेकर के आदमी। यहाँ तक अंडरटेकर ने ये भी बताया कि एक ऐसा समय था कि उन्होंने 10 मिनट से ज्यादा भी कन्वर्सेशन किया था यहाँ पर फ्यूचर को लेकर। अंडरटेकर ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में काफी सारा शेयर किया गुंथर को लेकर कि आगे कैसे वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं रेसलिंग में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर सिक्स, अभी दो मैचेस जो कि अभी तक क्वालिफाई हुए यहाँ पर मनी इन द बैंक के लिए। फर्स्ट मैच होगा जो कि रे मिस्ट्रियो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस जे उसो के बीच। उसके बाद नेक्स्ट होगा किया जेम्स वर्सेस जेलिना वेगा और यू स्काई के बीच। उसके बाद नेक्स्ट नंबर सेवन, आज के इस मंडे नाइट रॉ में यहाँ पर सेथ रॉलिन का रिटर्न देखने को मिला। लास्ट टाइम सेथ रॉलिन रेसलमेनिया 40 पर देखने को मिले थे, जहाँ वो अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हार चुके थे। उसके बाद से आज ये फर्स्ट टाइम था जहाँ सेथ रॉलिन आज की इस मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिले। वैसे आज की इस मंडे नाइट रॉ शो की स्टार्टिंग करते हैं सेथ रॉलिन, तभी वहाँ पर डायमंड प्रिस्ट आ जाते हैं, जहाँ इनके ऊपर कमेंट करते हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर आज राइवलरी स्टार्ट हो जाए सेथ रॉलिन वर्सेस डायमंड प्रिस्ट के बीच। नंबर एट, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का व्यूअरशिप। इस बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का व्यूअरशिप है 1.96 मिलियन व्यूअरशिप और इसका रेटिंग है 0.52, जो कि पिछले वीक से कम है। पिछले वीक स्मैकडाउन का व्यूअरशिप था 2.21 मिलियन व्यूअरशिप और उसका रेटिंग था 0.61। उसके बाद नेक्स्ट नंबर नाइन, एजे स्टाइल फॉरबिडन डोर को लेकर। वैसे एजे स्टाइल एक और रेसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो है NAOH इंपैक्ट रेसलिंग। और हो सकता है कि एजे स्टाइल के साथ साथ और भी रेसलर इनके साथ जाते हुए दिखाई दे, जो कि यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग में फाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर टेन जो कि लास्ट भी है, यू स्काई ने यहाँ पर जेलिना वेगा और किया को डिफीट करके वो क्वालिफाई हो चुके हैं मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए। हमने भाई पहले ही बात किया था कि ये मैच होने जा रहा है इस बार मनी इन द बैंक ट्रिपल थ्रेट मैच जेलिना वेगा वर्सेस किया जेम्स वर्सेस यू स्काई के बीच, और यहाँ पर यू स्काई इस मैच के क्वालिफाई हो चुके हैं लेडर मैच। तो ये रहे पिछले 24 घंटे की न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। वैसे अगर आपको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, हर रोज आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो फिर से मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।